आपका क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, तो यहां पर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। रियल रूट्स कब होते हैं? व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, नो। तो अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो आपका क्या है, दैट इज योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नो। तो ए क्या है आपका? ए इज वन, बी इज इक्वल टू माइनस के एंड सी इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, नो। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है आपका। तो आपका आ रहा है माइनस के होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज वन इंटू सी इज नाइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नो। तो माइनस के स्क्वायर क्या हुआ आपका? के स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस 36 को इस साइड में लेकर आ जाओ, तो आपका हो जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। ठीक है, नाउ अब के स्क्वायर इज 36 नाउ, तो के कितना हो गया? रूट ओवर, है ना। तो हमारा के हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 36। नाउ 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? दैट इज 6। तो आपका आ गया के प्लस माइनस 6, है ना। नाउ अब आप देखो, जब हमारा पॉजिटिव होगा तो साइन विल नॉट गेट चेंज्ड इन दिस केस के स्क्वायर में। तो आपका के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस हो गया, और माइनस में जैसे ही जाएंगे हम तो के इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6। तो दीस आर द टू वैल्यूज फॉर योर के। ठीक है,